नमस्कार दर्शकों, हमारी 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग यानी भगवान नागेश्वर की कथा सुनेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर होता है, अर्थात भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अंतर्गत इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताया गया है, जिसे आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश्वर नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी थी, जो माँ पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों के साथ वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा हुआ था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन यानी 192 किलोमीटर था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप रखा था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी और राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भयभीत करता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए और सोचने लगे कि यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं ही मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि माँ भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यह कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय होकर रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थीं। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ा और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, परंतु बहुत से अपने साथियों को भी उसने भगवान शिव की पूजा आराधना करनी सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव के दर्शन भी होते थे। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। फिर उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े।
उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भयभीत हो गए। फिर वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। सुप्रिय ने कहा कि हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हमें इस दुष्ट से बचाइए। हे देव, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक छिद्र द्वारा प्रकट हो गए। उनके साथ ही चार दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और दुखों का नाश करने वाले उन भगवान शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी निवास नहीं करेंगे। इसी समय राक्षसी दारुका ने चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बता तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सत्य कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। फिर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, यह मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य पर शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्णधर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेमपूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार हमने आपको भगवान नागेश्वर के प्राकट्य और महात्म्य की कथा सुनाई। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।